अगर आपका एग्जाम रूम है। मणिपुर के आपके पीएससी के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो 300 वैकेंसीज आई हुई हैं मेडिकल ऑफिसर की, आपकी आई है मणिपुर पीएससी में, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आपकी निकाली गई मेडिकल ऑफिसर की भर्ती 300 पदों पे। अब यहाँ पे जो आपका मणिपुर है, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने ये वैकेंसीज निकाली है, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि केवल आपको 20 दिन दिए गए हैं इसको आवेदन करने के लिए। तो केवल आपके पास 20 दिन है इसको आवेदन करने के, क्योंकि यहाँ पे 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसीज़ को, मेडिकल ऑफिसर की भर्तियाँ जो हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेडिकल बैकग्राउंड का ही होना चाहिए। अभी मैं आगे आपको बताऊँगा मणिपुर यहाँ पे जॉब लोकेशन आपकी रहेगी। तो दोस्तों, इसका आवेदन आप लोग 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग 20 अक्टूबर तक कर सकते हो, केवल 20 दिन है आपके पास। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बताई गई, यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पे जब कोई फीस नहीं है तो सब आवेदन जरूर करना, ठीक है, ये वैकेंसी हाथ से जानी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपकी वैकेंसी मैं बता चुका हूँ, 300 वैकेंसी ऑलरेडी है, ठीक है। ये मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है ग्रेड 4 की, एमएचएस ग्रेड 4 की। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने देखिए क्या बता रखा है, पजेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल और पार्ट सेकेंड ऑफ थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। तो ये इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, यहाँ पे मेडिकल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए आपकी, पहला और आपका दूसरा शेड्यूल जो होता है आपका, और पार्ट सेकंड जो आपका थर्ड शेड्यूल का होता है आपका इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट द्वारा, वो आपके पास होना चाहिए। 21 से लेकर 38 साल तक यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक कर सकते हैं, सीधे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं empsconline.com में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कैसे करोगे, सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइनअप करोगे, साइनअप यहाँ से करोगे, फुल नेम, ईमेल नेम, ईमेल आईडी, अपनी फादर्स नेम तो नहीं दे रखा, पासवर्ड, और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कंफर्म मेन्यू पासवर्ड, और उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओ, फिर आप लोग लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे ऊपर दे रखा है टैब में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये टैब में सब कुछ दे रखा है। आप लोग हेल्प भी ले सकते हैं, यहाँ पे हेल्प भी दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरा जानकारी बता रखा है कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे जाके आप लोग सीधे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और वीडियोस पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आप लोग यहां पे देख सकते हो इसका नोटिफिकेशन, यहां से भी आप लोग पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो उसका नोटिफिकेशन, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे रखी है। धन्यवाद हमारे।